वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, आज सीबीएसई में हिंदी टेक्स्ट बुक में नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 3, रीना का दिन। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। तो यहाँ पे आपको तस्वीर में नज़र आ रही है एक लड़की जिसका नाम है रीना। जैसे आप लोग जब सुबह स्कूल के लिए उठते हो तो आपको आपके मम्मी या पापा उठाते होंगे, तो देखो आपके बिस्तर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। कुछ बच्चे जो बिस्तर घड़ी करते होंगे, कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, तो अम्मी जो आपकी मम्मी रहती है वो सही करती होगी। तो यहाँ पे रीना है सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और उठकर अपना बिस्तर ठीक करने लगती है। नीम के दातून से अपने दांत को साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। जैसे हम लोग टूथपेस्ट, कोलगेट या क्लोजअप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ब्रश करते हैं। तो यहाँ पे जो मीना है, मतलब यहाँ पे जो रीना है, रीना मतलब वो अपने नीम के दातून से अपने दांत को साफ करती है और अच्छे से साबुन से नहाती है और नहा धो के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनती है। वो अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती और फिर स्कूल जाती है। जैसे हम सुबह स्कूल के लिए उठते हैं ना, आपके मम्मी पापा आपको उठाते, फिर आप फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो। जैसे यहाँ पे रीना क्या खाती है, उसकी मम्मी जो भी पराठे बनाई रहती है वो शौक से खाती है, नाश्ता करती है, अपना टिफिन लेती है, मम्मी को गले मिल के मम्मी का आशीर्वाद दे के स्कूल जाती है। स्कूल से रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। अभी स्कूल में जब से रास्ते में ऑन द वे, जैसे बहुत से बच्चे बाय वॉक जाते हैं, वॉकिंग करके जाते, चल के जाते, बहुत से बच्चे की मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं या बहुत से लोग बच्चे स्कूल बस से जाते। तो स्कूल में जैसे जैसे वो रास्ते से निकलती तो उसकी सहेली मिलती दीपा, दोनों मिलके एक दूसरे को हाय हेलो करते, दोनों एक दूसरे से सुबह रात कहते हैं और हंसी खेलती करती स्कूल जाती। मतलब दोनों एक दूसरे को सुबह रात कहते और रास्ते खेलते दोनों स्कूल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों स्कूल जाते, जैसे आप अपने दोस्त से मिलते हाय हेलो करते हो ना। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही कि उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते और नमस्ते करते। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। जैसे आपके स्कूल में जाते हो तो आपके स्कूल में देखो आपके प्रिंसिपल, आपके जो भी टीचर्स रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स, आप उनको गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, उन्हें विश करते हो ना, जो भी आपको उन्हें विश करना होता है। रीना स्कूल में मन लगा कर पढ़ाई करती है। अभी यहाँ पे रीना जो है बहुत ही अच्छी बच्ची है, मतलब एकदम जो भी टीचर उसे पढ़ाती है वो ध्यान से सुनती है। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती है, थोड़ी देर शरारत भी करती है। जैसे वो अपने स्कूल में हमारे बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, हम आपस में मिलके गेम खेलते हैं ना, जो भी रहता है हमारा, रैकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जो भी क्रिकेट, हम शौक से खेलते हैं। घर आकर वो हाथ मुंह धोती है, फिर वो अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। मतलब वो घर आती तो अपना हाथ मुंह धो के अपने कपड़े चेंज करती है, फिर वो जो भी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही थी, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो अपने परिवार से शेयर करती है। जैसे हमारी भी स्टडी होती है, हमारी भी बहुत सी एक्टिविटी जो भी होता है हम अपने फैमिली में डिस्कस करते हैं ना, अपने फैमिली में शेयर करते हैं ना, ये हुआ, हाँ वो हुआ, ये पढ़ाई हुई। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। मतलब रीना का क्या, एक छोटा भाई है जिससे उसे बहुत प्यार करती है, उसी के साथ खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है, मतलब वो सुबह से उठी रहती, सारा काम करती तो थक जाती, तो रात को जल्दी सो जाती। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। मतलब दादी जो उसे प्यार करती है, प्यार करके वो शुभ रात्रि कहकर उसे सुला देती है। बातचीत के लिए रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है, जैसे हम किसी को हो वो क्या कहती है सुबह मिलने पे, शुभ रात। रीना की दादी के रात में सोने से पहले मीना से क्या कहती है, शुभ रात्रि, जैसे हम बोलते हैं ना शुभ रात्रि, मतलब आपकी जो रात है अच्छी जाए। और आप दिन में हम क्या बोलते हैं, सुप्रभात। आप क्या कहकर बड़ों को अभिवादन करते हो, आप क्या कह के, जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये सब कहते हो ना,
बड़ों को। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं जो आप कहकर उनका स्वागत करते, नमस्ते करते हैं ना, अतिथि मतलब आपके जो मेहमान। अगर आपके रास्ते में कोई परिचित मिल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? जैसे रास्ते में आपको कोई जान पहचान वाला मिल गया, फ्रेंड मिल गया, तो आप उसे हाय हेलो करोगे ना, नमस्ते बोलोगे, खोजे जाने। पता कीजिए कि आपकी सहपाठियों के घर में अभिवादन कैसे करते हैं, अभिनय मैंने समझ के मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते, खाना कैसे खाते, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। अभी ये सब चीज़ें तो आप सीख गए होंगे, आप इतने भी छोटे नहीं हो, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, ये सब चीज़ें आपको आते होंगे। आपको ब्रश कैसे करना है, आपको नहाना कैसे, आपको बात कैसे, आपको बाल कैसे बनाना है, खाना कैसे खाना है, हाथ कैसे धोना है, कैसे सोना है, अभी आप ये सब चीज़ें सीख गए होंगे। खेल खेल में मिट्टी के घर घर खेल की चीज़ों में बनाए, जैसे झूला, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। अभी जैसे मिट्टी के आपके पास क्ले होगा या मिट्टी होगा, तो आप अपने दोस्तों या भाई बहनों के साथ घर घर खेलना है। रेखा खींचकर वो पुष्प पक्षियों को उनके नाम पहचानिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो उल्लू कहाँ रहता है। देखो उल्लू जो है पेड़ पे रहता है। आज को यहाँ पे जो आपको परिंदा दिख रहा है उसका घोंसला आपको नजर आ रहा है। और आपको खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है, एक होल में रहता है। और यहाँ पे आपको जो ये गाय नजर आ रही है, ये रहती है, यहाँ पे रहती है, ये जो आपको दिख रहा है ना शेड, यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे आपको गिलहरी नजर आ रही, गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ के अंदर रहती है। अब मछली आपको नजर आ रही, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, पानी के बाहर। तो चित्रकारी और लेखन, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों को सहायता बताइए, इन शब्दों में आपने चित्र बताइए। रसोई, कमरा, बरामद, आंगन, चाचा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, और खीर, दूध आदि, ये सब चीज़ें आपको जो भी अच्छी लगती बनाइए। सोचिए अपने घर में कौन कौन से काम करते, सही का चित्र लगाइए। हाथ में है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। जैसे आप ये घर में करते ना, ब्रश करते हो, बाल बनाते हो, चीज़ों को रखते हो, खाना खाते हो, ये हम सब हाथों से करते हैं ना, सारे काम दो हाथ है लेकिन हम काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। वो आई होप ये आप लोगों को ये लेसन आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, बाय, टेक केयर।